इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक किसके बारे में, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स को कैलकुलेट करने की, शॉर्ट ट्रिक प्लस सेंटर ऑफ प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक समझिएंगे। माना कि हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर बॉडी पे ये बॉडी है, इस पर जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा रो जी ए एक्स बार या फिर डब्ल्यू ए एक्स बार। इस बॉडी के लिए टोटल हाइट यदि एच है तो इसमें जो फोर्स लग रहा होगा एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी एच बाय टू, जबकि सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे लगेगा, यानी कि प्रेशर का सेंटर, उसका फॉर्मूला होता है आई अपॉन ए एच बार प्लस एच बार इसी का टू आई होता है। माना कि इसकी विड्थ बी है ना, तो ये हो जाएगा बी एच क्यू, चलिए स्मॉल बी ले लेते हैं, विड्थ बी है तो ये हो जाएगा आई का फॉर्मूला बी एच क्यू बाय 12 इंटू एरिया हो जाएगा विड्थ इंटू हाइट इंटू एच बार कितना हो जाएगा विड्थ इंटू हाइट एच बार या फिर इसको एच बार ना ले एच बार ले ये हो जाएगा एच बार, ठीक है ये हो जाएगा एच बार डब्ल्यू ए एच बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा एच बार होता है एच बाय टू प्लस एच बाय टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा सिक्स, एच एच से कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये एच बाय सिक्स प्लस एच बाय टू, यानी कि ये हो जाएगा थ्री, ये इसका मल्टीप्लाई होगा एच प्लस थ्री एच बाय सिक्स इज इक्वल टू फोर एच बाय सिक्स यानी कि टू एच बाय थ्री। देखिए ये तो आ गया 2h by 3, h star यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर कितना रहेगा रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए। अब हम समझते हैं प्रेशर डायग्राम से। देखिए प्रेशर डायग्राम, प्रेशर हम जानते हैं p is equal to rho gh, यानी कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी प्रेशर बढ़ता जाएगा। माना कि एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, देखिए इसमें चलिए पहले कर लेते हैं फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। माना कि एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, ठीक है ये रेक्टेंगुलर बॉडी हो गई। अब हम इसका सेंटर ऑफ प्रेशर निकालेंगे तो देखिए ये वाली लाइन आ जाएगी यहां तक, ठीक है प्लस ये वाली, माना कि प्रेशर इस पर यहां लग रहा है तो देखिए इसकी बॉडी की विड्थ हो जाएगी, वो हो जाएगी बी, बी ले लीजिए, हाइट हो जाएगी एच, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे जो प्रेशर होगा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और नीचे मैक्सिमम प्रेशर इतना हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा। देखिए ये वाली हाइट एट है, h है, ठीक है ना, और हम जानते हैं p इक्वल टू रो जी h और उसको लिख सकते हैं w इनटू h, यानी कि इसकी ये वाली जो थिकनेस होने वाली है ये हो जाएगी w h। यदि हम इस प्रेशर डायग्राम पर, जैसे हमने प्रेशर डायग्राम बनाया है एक रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए, उसका हम वॉल्यूम निकाल दें तो वो हो जाएगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स, और इस जो प्रेशर डायग्राम है उसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल दें वो हो जाएगा सेंटर ऑफ प्रेशर। अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, इसलिए मैंने आपको निकाल दिया। सेंटर ऑफ प्रेशर होता है 2h by 3 प्लस जो फोर्स लग रहा होता है वो होता है डब्ल्यू ए एच बार, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रेशर डायग्राम, वॉल्यूम ऑफ प्रेशर डायग्राम ये हो जाएगा 1 by 2 w into h into height, W into H into height, इसकी विड्थ होगी विड्थ, ठीक है। देखिए W into H into V into H by 2, मैं इसको ऐसे रीअरेंज कर सकता हूँ W into H into V into H by 2 कर दिया। देखिए ये हो जाएगा W specific weight into area into H by 2 क्या हुआ H bar, देखिए इक्वल टू डब्ल्यू ए एच बार, यानी कि हम यदि वॉल्यूम निकालते हैं प्रेशर डायग्राम का वो हो जाता है जो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लग रहा होता है वो। अब इस प्रेशर डायग्राम का हम क्या निकालते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं इस प्रेशर डायग्राम का। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम जानते हैं ट्रायंगल के लिए होता है 2h by 3, इसकी हाइट यहां से हो जाएगी 2h by 3। देखिए अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रायंगल का होता है वो होता है 2h by 3, हम जानते हैं
ये मैकेनिक्स में आप पढ़ लेते हैं, इसलिए आपको पता होगा 2h/3। तो ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रेशर डायग्राम की, ये प्रेशर डायग्राम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यही तो है सेंटर ऑफ प्रेशर रेक्टेंगुलर बॉडी का। अब आपको समझ में आ गया, यदि आप प्रेशर डायग्राम होता है उसका वॉल्यूम निकाल लें तो वो हो जाता है आपका जो फोर्स लग रहा होता है वो, प्लस इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रेशर डायग्राम का निकाल दें तो वो सेंटर ऑफ प्रेशर हो जाता है उस बॉडी का। अब ये तो हो गया सिंगल बॉडी के लिए, और ये वैलिड होता है सिंगल बॉडी के लिए। यदि हमारे पास दो फ्लूड है या फिर दो से ज्यादा फ्लूड है तो उनके लिए कैसे निकालेंगे, माना कि हमारे पास एक है ऑयल, माना कि हमारे पास कोई बॉडी है, ये बॉडी है, इसमें यहां तक भरा हुआ है ऑयल, ऑयल की हाइट हो जाएगी एच नॉट या फिर एच ओ, और जो वाटर है नीचे माना कि वाटर है, वाटर की हाइट हो जाएगी एच डब्ल्यू। तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यदि हम इसका प्रेशर डायग्राम बनाते हैं इस वाले का तो कैसे बनेगा, सबसे पहले तो ऑयल की वजह से जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर आएगा, आप मानते हैं ये हो गया ऑयल की वजह से प्रेशर, ठीक है। तो इसकी जो विड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी स्पेसिफिक विड्थ ऑफ ऑयल इनटू एच नॉट या फिर एच ओ प्लस, अब इस ऑयल की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो तो अब इतना ही लगने वाला है ना, ये तो बढ़ने वाला नहीं है क्योंकि यहीं तक ऑयल था, प्लस अब वाटर, वाटर आएगा तो वाटर की वजह से भी प्रेशर डायग्राम बनने वाला है, तो ये प्रेशर डायग्राम बनेगा वाटर की वजह से। आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हमारे पास दो लेयर थी, एक मैंने क्या ले लिया ऑयल, ऊपर ऑयल है नीचे वाटर है, वाटर की वजह से ऑयल की वजह से प्रेशर डायग्राम ये बन जाएगा, यहां तक मैक्सिमम प्रेशर आ जाएगा ऑयल की वजह से, प्लस अब ऑयल का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहने वाला है, अब जो प्रेशर बढ़ने वाला है वो बढ़ने वाला वाटर का, आप समझ रहे हैं ना, अब जो प्रेशर बढ़ेगा वो वाटर की वजह से बढ़ेगा, ऑयल का प्रेशर यहां पे आ जाएगा, तो टोटल जो प्रेशर फोर्स आने वाला है वो इस ऑयल की वजह से लगेगा प्लस इस वाटर, ऑयल जो वाटर के ऊपर उसकी वजह से लगेगा प्लस वाटर की वजह से लगेगा, तो टोटल प्रेशर फोर्स आने वाला है एफ पी वन, यदि हम इसको एफ पी वन बोल दें, इसको एफ पी टू बोल दें और इसको बोल दें एफ पी थ्री क्योंकि आने वाला है यहाँ पे, तो एफ पी वन प्लस एफ पी टू प्लस एफ पी थ्री ये हो जाएगा टोटल प्रेशर फोर्स। अब देखिए अब इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमको वॉल्यूम, वॉल्यूम तो हमने निकाल दिया, अब हमको निकालना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस प्रेशर डायग्राम की, इस प्रेशर डायग्राम की जो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे वही हो जाएगी सेंटर ऑफ प्रेशर। तो चलिए पहले इसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, इसको यदि हम एच वन मान लें, इसको वन मान लें, इसको टू मान लें और इसको थ्री मान लें, तो एच वन इज इक्वल टू हो जाएगा टू एच नॉट बाय थ्री, इसका सेंटर ऑफ क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हो जाएगी सेंटर ऑफ प्रेशर पहले डायग्राम का, ठीक है। यदि हम एच टू निकालते हैं, एच टू कैसे निकलेगा, चलिए H2 कैसे निकलेगा, H2 हो जाएगा ये तो हो जाएगा एच नॉट ऑयल की वजह से प्लस वाटर की वजह से जो लग रहा है एच डब्ल्यू बाय टू, ये दूसरे डायग्राम का आ जाएगा सेंटर ऑफ प्रेशर प्लस H3, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है इसका, तो इसका कैसे निकालेंगे, इसके केस में भी सेम यही रहेगा, ये हो जाएगा एच नॉट प्लस वाटर की वजह से हो जाएगा टू एच बाय डब्ल्यू बाय थ्री, ये हो जाएगा H3, यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर पहले का दूसरे डायग्राम का प्लस तीसरे डायग्राम का। अब ये वाला फोर्स भी तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एफ पी वन एफ पी टू एफ पी थ्री वो कैसे निकालेंगे, एफ पी वन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा वन बाय टू इंटू वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम निकालना है भाई प्रेशर फोर्स के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा डब्ल्यू नॉट एच नॉट इंटू हाइट एच नॉट इंटू इसकी विड्थ होगी कुछ वो हो जाएगी भी, ये हो जाएगा एफ पी वन। एफ पी टू कैसे निकालेंगे, देखिए एफ पी टू में इसकी वजह से फोर्स लगेगा प्लस यहाँ पर जो फोर्स है वो इसी की वजह से लगने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए निकालेंगे वन बाय टू डब्ल्यू नॉट एच नॉट, विड्थ तो यही रहने वाली है बस हाइट रहेगी वो वाटर की आ जाएगी, तो जाएगा डब्ल्यू नॉट एच नॉट इंटू हाइट हो जाएगी वाटर की एच डब्ल्यू इंटू ये हो जाएगी विड्थ, ये आ गया दूसरे का।
अब हम तीसरे का और निकाल लेते हैं, तीसरे का आ जाएगा क्या प्लस, इसकी वजह से जो फर्स्ट लग जाएगा वन बाई टू, ये आ जाएगी क्या बाटर की वजह से, ये तो हो जाएगी तो डब्लू वाटर इंटू एट वाटर इंटू हाइट ऑफ वाटर इंटू विड्थ, ये तीनों इस तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ये एक डायग्राम के लिए वैलिड होता है, हमने तीन अलग अलग लगा दिए। FP1 के लिए फॉर्मूला वॉल्यूम निकाल दीजिए, 1/2 डब्ल्यू नॉट एच नॉट इंटू एच नॉट इंटू विड्थ प्लस 1/2 डब्ल्यू नॉट एच नॉट इंटू एच डब्ल्यू इंटू विड्थ प्लस, ये आ रहा है 1/2 डब्ल्यू नॉट डब्ल्यू ओमेगा है वाटर, ये हो जाएगी इस वाले डायग्राम का वॉल्यूम निकालने के लिए डब्ल्यू डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू इंटू हाइट ऑफ वाटर इंटू विड्थ, तो ये आ जाएगा क्या वॉल्यूम निकाल देंगे वही हो जाएगा प्रेशर फोर्स के बराबर प्लस इनका जो सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है वो इस तरह आप सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए यदि ये तो सिंपल था किसका प्लेन बॉडी के लिए, यदि इंक्लाइन बॉडी के लिए भी निकालना है तो इंक्लाइन बॉडी के लिए भी हम निकाल सकते हैं। चलिए शॉर्ट में समझाता हूँ, माना कि एक बॉडी है ये इंक्लाइन बॉडी है, इंक्लाइन बॉडी है माना ये वाला एंगल है थीटा कुछ, ठीक है इसकी जो हाइट है बॉडी की कुछ एच मान लीजिए, ठीक है ये इंक्लाइन है इस सरफेस से, ठीक है तो देखिए अब हम जानते हैं इस पर जो प्रेशर फोर्स लगेगा वो ऐसे बढ़ेगा ऐसे बढ़ेगा ऐसे बढ़ेगा ऐसे बढ़ेगा ऐसे बढ़ेगा ऐसे ऐसे, यानी कि इस पर प्रेशर फोर्स लगने वाला और यहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर फोर्स हो जाएगा, तो हमको क्या निकालना है वही वॉल्यूम निकालना है वही हो जाएगा फोर्स के बराबर। तो देखिए ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, यदि ये वाला एंगल थीटा था तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एच कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एच साइन थीटा, और इसकी जो विड्थ रहेगी इसकी जो विड्थ रहने वाली है जो बॉडी की विड्थ रहेगी ये हो जाएगी हाइट इंटू विड्थ अंदर की साइड रहेगी, यानी कि हमको इसमें सेम यही केस अप्लाई करना है रो जी ए एक्स बार, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1/2 डब्ल्यू इंटू एच इंटू एट इंटू विड्थ, तो यही फॉर्मूला सेम हम इसमें भी अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा यानी कि जो कैलकुलेशन होने वाली वो इस ट्रायंगल से कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखिए हमको क्या निकालना है डब्ल्यू इंटू ए इंटू एच बार, तो देखिए यहाँ पर भी लिखिए स्पेसिफिक वेट हम जानते हैं रोजी होगा इनटू एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा यदि इसकी टर्म में है तो इसका एरिया हो जाएगा विड्थ इनटू हाइट, तो हो जाएगी विड्थ इनटू हाइट इनटू, अब इसमें एच बार क्या लेना है, एच बार हो जाएगा एच साइन थीटा, एच साइन थीटा वाई टू, अब आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं, या फिर आप ये करिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो आप ये करिए कि इसकी टर्म निकालनी 1/2 डब्ल्यू इंटू एच रहेगी ना जो हाइट हाइट रहेगी वो रहेगी एच साइन थीटा इंटू विड्थ, इस डायग्राम की कुछ विड्थ होगी इंटू एरिया, एरिया एरिया तो ये आ गया एच साइन थीटा इंटू विड्थ इंटू, अब इसकी हमको और विड्थ निकालनी है ठीक है ना, तो वो हो जाएगी कितनी, वो हो जाएगी एच टोटल एरिया, क्योंकि इस प्रेशर डायग्राम का जो एरिया बनने वाला है वो ये बनने वाला है प्लस विड्थ ये बनने वाली है और हाइट ये हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। तो देखिए आप इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए 1/2 डब्ल्यू एच साइन थीटा इंटू विड्थ इंटू हाइट दोनों बराबर है, इसलिए हम इंक्लाइन बॉडी का भी इसमें निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये शॉर्टकट था कि वॉल्यूम निकाल लीजिए प्रेशर डायग्राम का और सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लीजिए प्रेशर डायग्राम का, हो जाएगा सेंटर ऑफ प्रेशर, बाकी आप इससे कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, प्लस प्रीवियस वीडियो आपको देखना चाहते हैं तो आप कार्ड में जाकर देख सकते हैं या नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, चैनल की लिंक भी है प्लस हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन वर्टिकल सरफेस, और जो पहली और दूसरी लिंक है वो वर्टिकल सरफेस और इंक्लाइन सरफेस की है, इसके बाद
आप ये तो देख ही चुके हैं, और भी चैनल देखना चाहते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स के जितने भी लेक्चर अभी तक बनाए उनकी सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं, और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।